सबसे पहले सुरजीत, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और हम सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपको ब्रिटेन की प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद सर। और हम श्रोताओं की जानकारी के लिए आपसे चाहेंगे कि थोड़ा बताएं कि इस अवार्ड को आपने कैसे पाया, कैसे प्राप्त हुआ आपको ये। सर मैं 2014 की बात है, मैं एक गांव साहिबा गांव में रहता हूं और यहां पर एक बचपन बचाओ आंदोलन केला सत्याचंडा फाउंडेशन से एक आयु संस्था 2013 में मेरे गांव पर 2014 में टीवी शो रखा गया रोड पर और मेरे दोस्तों ने मुझे वहां पर ले गए देखने के लिए। और जब मैं वहां पर गया तो वहां पर कुछ चीजें बताई गई शराब से संबंधित, जो बच्चों को मारते हैं या जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते उससे संबंधित मुझे चीज बताई गई। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि मतलब आपके घर में कोई है ऐसा कि नहीं है। फिर उनसे मैंने कहा कि जी मेरे पिताजी शराब पीते हैं और मुझे और मेरे परिवार को सबको तंग करते हैं, हम इनसे बहुत परेशान हैं। फिर उसके बाद मुझे संस्था वालों ने उनकी टीम में किया, उनकी जो BMG ने मुझको उसमें रखा। फिर उसके बाद 4 या 5 महीने बाद चुनाव हुए, फिर चुनाव के बाद हमें समझाया गया कि BMG का मतलब क्या होता है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है। और BMG का मतलब होता है कि सब बच्चों को उसका अधिकार मिले, कोई बच्चा बाल मजदूरी ना करे, गांव में कोई भी लोग छुआछूत ना करे, हमारे यहाँ से रहते थे। और फिर उसके 2 महीने बाद फिर हमने मतलब जो 11 बच्चे थे जिसमें हमें उप सचिव बना था उस चुनाव में, फिर उसके बाद हम 11 ही बच्चे संडे को मतलब रविवार को एक हमारा पंचायत भवन है जो हमें पंचायत भवन वाला मतलब जो सरपंच है उन्होंने हमको दिया था, वहां पर हम मीटिंग करते थे कि गांव में क्या समस्याएं हैं, गांव में कैसे आप इसको हल करेंगे। और हमारे मतलब पहले समस्या थी शराब की, क्योंकि जैसे मेरे परिवार में वैसे ही बहुत से लोगों के परिवार में भी ऐसा होता था कि बच्चों से मारपीट करते थे, माताओं से मारपीट करते थे। तो हमने पता लगाया, फिर हमको पता चला कि शराब ही एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं और उनको बहुत तंग भी हो रहा है। फिर उसके बाद हमारी 2 साल की मेहनत नहीं 2.5 साल की मेहनत थी और हमने शराब की पूरी दुकानें बंद करवा दी थी। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया, उस संघर्ष में मुझे धमकी मिली गई, जी, मैं धमका भी गया था, मेरे घर को धमकाया गया था। तो मतलब आपने जो बीड़ा उठाया वो ये था कि नशाबंदी एक तो आपका मूल उद्देश्य था, और साथ ही बाल मजदूरी जो बच्चे लगे हुए हैं हाँ उनको मुक्त करना था, है ना। हाँ हाँ वो ऐसा होता था ना कि जो उनके पिताजी थे वो शराब से शराब पी लेते थे, उनको जी कोई होश नहीं रहता था कि आपको कहीं जाना है कमाने या घर में बच्चे हैं, तो पूरी वो जिम्मेदारी उस बच्चे पर जाती थी। तो बच्चा उसका यानी अपनी शिक्षा को अपने भविष्य को वहां पर त्याग देता था और वहां पर अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए चला जाता था। और हमको ये मतलब बीच में ही हमने बनाया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, फिर हम सर्वे करते रहे, पहले तो लोग हमको पागल समझते थे पर अब फिलहाल में जो मुझे अवार्ड मिला है तो एक लोग लेजेंड अब समझने लगे हैं गाँव का, मतलब सब सब कुछ अच्छा सब कर रहा है ऐसा। नहीं तो इससे आपको एक नई ऊर्जा भी मिली है, क्योंकि ये एक ऐसा अवार्ड है जिसके जरिए हमें पहचान तो मिलती ही है और काम करने का जज्बा भी पैदा होता है जज्बा ही ना। मिलता। और एक मतलब फिर ऐसा होता है कि अवार्ड मिलने के बाद अब शायद मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि एक मुझे कंधे पर बोझ रखा गया है। तो मुझे अब मेरे गांव में नहीं, अब ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर ऐसा होता है, अब मुझे वहां काम करना है। तो सुरजीत, ये बताओ कि इस अवार्ड के तहत आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है। शायद वहां से कहा गया है कि मेरी जो एजुकेशन है वो 12th के बाद पूरी फ्री रहेगी। अच्छा। हाँ ये मतलब आपको एक बहुत अच्छा एक उससे माध्यम भी मिला है कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकेंगे, है ना। हाँ हाँ अच्छा, ये आप बताएं कि आपने जो 2014 से आप इस काम में जुटे हुए हैं, कौन कौन सा और दायित्व निभाया है, और लोगों ने आपके इस काम को कितना सराहा है, और भी कैसे कैसे बच्चे आपके साथ जुड़ते गए हैं इस मुहिम में। सर 2014 की बात है, जैसे मैंने बताया कि टीवी शो में संस्था से मिला था, जैसे ही 6 महीने या 8 महीने में मैं संस्था में परफेक्ट बैठा था, मुझे लोग जानने लगे थे। जो हमारे कार्यकर्ता आते थे श्रीकांत भैया, मोहित भैया, साहू जी और अनिकेत भैया, ये मतलब घर आते थे तो लोग बाग मतलब गंदी गंदी बातें करते थे कि ये किस लिए आते हैं। तो शायद उतना ध्यान नहीं दिया मैंने उस बात पर, वो लोग आए उन्होंने अच्छी बातें बताई। जो हमारे जो भाई साहब भी हैं जो उनकी मतलब ने जैसा किया था उनका मैंने मार्गदर्शन देखा कि कैसे करते हैं। फिर तो उसके बाद मैं मतलब 7 या 8 महीने मतलब पूरा परफेक्ट हो गया था कि कैसे क्या काम करना है। हमारी जो BMG थी, हमारी जो बाल पंचायत थी उसके साथ मतलब मिलकर काम किया, धमकाया गया, डराया गया, गंदी गंदी बात की गई, फिर भी मतलब दिमाग को नहीं लिया कि भैया जो है वो देखा जाएगा।
हाँ, उसके मतलब बाद आप आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर डटे रहे और आगे चलने का बीड़ा आपने उठाया, है ना। हमारे हाँ। श्रोताओं को बताइए कि नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त श्री कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित ये फाउंडेशन है, तो उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होता है समय समय पे? हाँ बिल्कुल होता है। अभी ये फिलहाल ये लॉकडाउन के कारण मतलब वो अभी दिल्ली में कोई प्रोग्राम नहीं करवाते, तो मतलब पहले वो प्रोग्राम करवाते थे, मतलब हर बच्चे जो मतलब जहाँ जहाँ संस्था चल रही है, जहाँ जहाँ बच्चे जुड़े हैं उनको सबको बुलाते थे, सबसे मिलते थे, बात करते थे, अपने हाँ बारे में बताते थे वहाँ पर, मतलब अपनी जो अपनी मतलब पहले जो था निकल चुका है, क्या क्या हुआ उनके साथ, वो सब दर्शाते थे, जिससे हम देख कर और जो बच्चे हैं सब देख कर एक नई चीज सीखते थे, एक नया कुछ करने का सोचते थे। बस मैंने उसी को फॉलो किया और आज जो भी हूँ मैं, जैसा भी मैं कर रहा हूँ, सब भाई सर जी के मार्गदर्शन की बदौलत है। हाँ तो हमें बताएं कि अब और आपने क्या क्या सोच के रखा है और कौन कौन से टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त हो और वो कुछ अपना भविष्य को संवारने के लिए भी आगे आ सकें। जैसा हम देखा जाए, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और पूरे हमारा भारत देख रहा है कि लॉकडाउन की वजह से अब कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी शिक्षा पे बहुत असर पड़ रहा है, और जो जितना हमने काम किया था साथ उतना ही पीछे काम जा रहा है 2 सालों से। तो हाँ हमारा अभी नियंत्रण यही चल रहा है कि जो बच्चे शिक्षा से बिछड़ रहे हैं, जो बच्चे यानी कि मतलब दिमाग में बात आ रही है कि अब स्कूल नहीं लगेंगे, तो अभी हम फिलहाल उन पर काम कर रहे हैं, और आगे मेरा यही काम रहेगा कि मेरा गाँव नहीं, पूरे भारत के गांव, पूरे भारत का प्रदेश, मतलब पूरा भारत ही एक शिक्षक हो, भारत में कभी अंधकार ना हो, भारत में कोई बच्चा मजदूर ना हो, कोई बच्चा गुलाम ना हो, हर बच्चा आजाद हो, हर बच्चे का सपना देखने का हक हो, उसको हक मिले। मैं चाहता हूँ कि भारत में ये सब चीज हटे, एक ऐसा भारत हो जहाँ पर कहा जाए कि यहाँ पर पूरे शिक्षक हैं, कोई भी वो नहीं है, तो बहुत अच्छी सब एक बात समान कही है। आपने कि जब हम शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपने जो अभी जैसे दायित्व जो उठाया था नशा मुक्ति का, बाल मजदूरी को रोकने का, अब उसमें कितनी प्रतिशत सफलता आपको प्राप्त हो गई है और कितने के लिए अभी आप संघर्ष कर रहे जी मैं बताऊं तो शराब का तो ऐसा है कि आपको पता है कि शराब हैं? जैसे मान लो 2 महीने बंद हो जाती है, फिर चालू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर चालू हो जाती है, तो सफलता से मैं अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। वैसे अभी फिलहाल में दुकान बंद है, अब पता नहीं यहाँ फिर चालू हो जाए, क्या है कि हमको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जिन परिवारों में आपने ये समझाइश दी थी, वहां के लोग समझे हैं पहले से? हाँ जी बिल्कुल समझे हैं, और जी हमारे मतलब जो शराब से थी, शराब से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, 28 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद अब मेरा और दायित्व बनता है कि मैं शराब को बंद करवाऊँ। अब मेरे गांव में नहीं, मैं पूरे देश में चाहूंगा शराब बंद हो, जैसे मुझ पर बीत रही है आज, मतलब पिताजी मेरे साथ नहीं है, ऐसे बहुत से घर हैं, ऐसी बहुत सी माँ हैं, ऐसे बहुत से बेटे हैं जिनने अपना एक पति, जिनने अपना एक बेटा खोया है, जिनने अपना एक पिता खोया है, उस पर जो बीत रही है वो आज मुझे पता है, एक पिता ना होने के कारण क्या क्या होता है। और शायद मैं कहूंगा कि ये शराब ही है जो एक अंधकार में धकेलती है मनुष्य के मानसिक तन को, मतलब वो हटा देती है, उसकी सोच को बदल देती है। ऐसे बहुत से लोग हैं अपने देश में जो इस शराब से अपने मतलब व्यक्ति को, मतलब अपने जो साथ साथी को खो रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि अब मेरे गाँव में नहीं, मेरे पूरे देश में शराब मुक्त हो, और हर बेटा कहे कि ये मेरे पिता हैं, मेरे पिता शिक्षक हैं, मेरे पिता मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं यही चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही सुरजीत, और हम आपके विचारों की वाकई तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने कम उम्र में एक बहुत बड़ी सोच रखी है और निश्चित रूप से उससे बहुत सारा वर्ग लाभान्वित होता है। चलते चलते आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके जैसे और भी जो बच्चे हैं वो किस दिशा में सोचें और आज अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? सर मैं एक ही बात कहूंगा बच्चों से कि हमारा देश आजाद तो हो गया था 1948 में, 1848 में, पर वो देश आजाद हुआ था उसमें बहुत सी हमारी चीजें जो आजाद नहीं हो पाई थी, जैसे बच्चे, हमारी जो दीदियां हैं वो भी, उनकी मतलब सोच भी अभी बहुत खराब है। तो मैं ही क्या मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ बच्चों को सपोर्ट करें, जो बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं उनको सही राह पर लाएं, जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं उनको स्कूल में भेजें, क्योंकि उनका भविष्य स्कूल है, मजदूरी नहीं। मैं यही चाहूंगा कि प्लीज सपोर्ट मी, और आपको कहीं लगे आप अगर एक बच्चे की आप जान बचाते हो या उस बच्चे को सैलाब पर पहुंचाते हो, तो आप इस देश के एक लीडर रहोगे, आपने इस देश के लिए कुछ किया है। बहुत अच्छी बात कही सुरजीत, और हम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डायन अवार्ड से, और ये आपको और भी हौसला देगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसी हम पूरी कामना करते हैं। हमसे जो आपने चर्चा की और इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सर कोई धन्यवाद की आवाज़ है सर, आपका ही सपोर्ट है जो मतलब मैं यहाँ तक आया हूँ।